चलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे अंडर 1200 सबसे बढ़िया माउस और कीबोर्ड कॉम्बो की। अगर आपने हाल ही में कोई लैपटॉप या फिर पीसी बिल्ड किया है, उसके लिए अगर आप एक बेस्ट कीबोर्ड और माउस कॉम्बो ढूंढ रहे हो, वो भी अंडर 1200, तो ये वीडियो आपके लिए। और इसका बॉक्स मैं आपको दिखा दूँ, ये आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप एडिशन है, तो इसको हम अनबॉक्स करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपका लेटेस्ट क्वालिटी कंटेंट इस चैनल की तरफ से जो भी जाए आप सबसे पहले वॉच करो। तो करते इसको अनबॉक्स, देख लेते हो इसके बॉक्स पैकेजिंग को। ऊपर लिखा है एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप, यहाँ पर एक फ्री कूपन भी आपको देखने को मिला है। देखेंगे इसको भी कैसे हम रिडीम कर सकते हैं बाद में। यहाँ पर मल्टी कलर बैकलिट लाइटिंग दिया है, यहाँ पर RGB नहीं है, बैकलिट लाइटिंग है, मैं समझाऊंगा। उसके साथ एंटी घोस्टिंग कीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो हम पहले कर लेंगे इसको अनबॉक्स। खुल गया डब्बा जा, तो फाइनली खुल चुका है। यहाँ पर लिपटा हुआ मिलता है हमारा पहला एक कीबोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत मतलब सच में एक बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का कीबोर्ड मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक अच्छा वाला पाम रेस्ट भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर लोगो है, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप करके लिखा भी हुआ, क्योंकि एक स्पेशल वेरिएंट है इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप करके लिखा हुआ है। इसको हम देखेंगे बाद में, यूज़ करेंगे, देखेंगे क्वालिटी कैसे। उसके बाद यहाँ पर हमको माउस भी देखने को मिलता है, हाँ यहाँ पर एक माउस भी देखने को मिलता है। माउस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और ऊपर आपको प्लस माइनस मतलब DPI भी इसके अंदर आप ऑन द गो चेंज कर सकते हो। अगर गेम खेल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो ना, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो माउस की DPI। यहाँ पर एक मैनुअल मिलता है जहाँ पर शॉर्टकट कीज लिखा है, जिससे आप क्या कुछ कर सकते हो, इसको तो ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हमको एक 1000 rupees का जो है वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का कूपन मिलता है। इसको रीडिंग करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं, इनको अब साइड में रखते हैं। तो अब हम देखेंगे माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ, यूज़ करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर सच में 1200 को डिजर्व करता है या फिर नहीं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने जो है कीबोर्ड और माउस को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के टाइम पे मुझे एक हाईलाइटिंग पॉइंट दिखा, जो माउस के अंदर एक केबल आता है ना, एक फुली ब्रेडेड केबल आता है, लेकिन जो कीबोर्ड के अंदर आपको केबल देखने को मिलता है, नॉन ब्रेडेड देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज में ब्रेडेड देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया फीचर है, लेकिन दोनों में अगर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा फीचर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता। उसके साथ कीबोर्ड के अंदर मैं कुछ हाईलाइटिंग चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, लाइटिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक बल्ब का आइकॉन आपको देखने को मिलता है, जब इसको प्रेस करोगे तब जो है इसका की लाइट ऑन हो जाएगा, तब आपको 3 zones में डिवाइडेड हुआ देखने को मिलेगा। ये जो कीबोर्ड का लाइट्स है, इसके अंदर बैकलाइट का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर RGB नहीं है, स्पेशली हर एक को जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत महंगे वाले कीबोर्ड में आता है। उसके साथ एक कीबोर्ड जो है एक मम्रेन कीबोर्ड है, लेकिन जब आप इसको आप प्रेस करोगे ऐसा, तो डेफिनेटली आपको फील नहीं होगा कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, फुल्ली आपको मैकेनिकल कीबोर्ड के जैसा फील भी देगा है कीबोर्ड। उसके साथ अगर आप लाइट को चेंज करने जाते हो, दोबारा प्रेस करो बल्ब आइकन को, लाइट जो है चेंज हो जाएगा, फिर प्रेस करो फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 zones और 3 types की लाइटिंग मिलते हैं। फंक्शन की को प्रेस करके पेज अप और पेज डाउन क्लिक करोगे ना, तो उस हिसाब से जो है आप अपने लाइटिंग की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। उसके अंदर अगर आपको ब्रीदिंग इफेक्ट चाहिए तो फंक्शन और बल्ब की को एक साथ प्रेस करो, डेफिनेटली आपके कीबोर्ड के अंदर जो है ब्रीदिंग इफेक्ट ऑन हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर एक विंडोज लॉक की देखने को मिलता है, जो जिसके वजह से आप मतलब गेमिंग के टाइम पे कंट्रोल की जगह बहुत बार मैंने भी खुद मतलब विंडोज की प्रेस कर दी, इससे क्या होता है गेम फट से मिनिमाइज हो जाता है, तो मतलब अच्छा नहीं होता। तो फंक्शन की को प्रेस करके अगर आप विंडोज की को प्रेस करोगे तो जो है विंडोज की लॉक हो जाएगा, तब आप गेम की टाइम पे जब भी आप गलती से विंडोज की को प्रेस कर दो तो गेम जो है मिनिमाइज नहीं होगा। और फिर से जब को आपको यूज करना है तो फंक्शन की प्रेस करके विंडोज की को प्रेस कर दो तो जो है अनलॉक हो जाए। तो अब हम बात करते हैं माउस की। इस माउस के अंदर जो है आपको ऊपर 2 right एंड लेफ्ट का बटन देखने को मिलता है, स्क्रोल व्हील देखने को मिलता है, ऊपर प्लस और माइनस जो DPI कंट्रोल का बटन देखने को मिलता है। और अगर आप साइड में देखो तो यहाँ पर 2 switches है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, जो ब्राउजिंग के टाइम पे और गेमिंग के टाइम पे भी किसी किसी गेम के अंदर इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको 4 zones DPI मिलता है, 800, 1600, 2400, 3200। तो और इसके अंदर और एक हाईलाइटिंग पॉइंट जो है DPI के अंदर हर एक स्पेशली कलर देखने को मिलता है, और ये जो है ऑटोमेटिकली कलर चेंज भी करते हैं, तो आप ऑन द गो जब भी आप करना चाहते हो तो इसको आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट जो आपको कलर देखने को मिलता है वो आपको डिफॉल्ट रेड मिलता है, जब आप एक बार प्रेस करो तो DPI हो जाते हैं 1600, तो 1600 पे ग्रीन देखने को मिलता है। उसके बाद एक बार और प्रेस करो तो यहाँ पर हो जाता है ब्लू, ब्लू में आपका DPI हो जाए 2400, और फाइनल जो DPI है 3200 वो उसमें आपको पर्पल का कलर देखने को मिलता है।
और इस ऑन द गो आप चेंज कर सकते हो, जब गेम खेल रहे हो तो इसको आप दो बार तीन बार प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली डीपीआई जो है डाउन हो गए 800 हो गए। जब आप कोई नहीं है ऐसे नॉर्मली टास्क कर रहे हो तो 800 इनफ है, गेमिंग कर रहे हो तो इसको दो तीन बार प्रेस करो बस ऊपर हो जाएगा 3200। उस हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो और ये बहुत मतलब वैल्यूएबल फीचर है। उसके साथ एक लाइट भी देखने को मिलता है जो आपको बहुत मदद करता है डीपीआई सिलेक्ट करने में या समझने में कौन से डीपीआई में जो है माउस अभी काम कर रहा है। तो फाइनली आप बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्या अंडर 1200 आपको कीबोर्ड माउस का कॉम्बो लेना चाहिए। मैंने जो है अनबॉक्सिंग बहुत पहले कर ली थी, उसके बाद मैंने लगभग 10 से 12 दिन इसको रेगुलरली यूज़ किया है, मैं अपने एडिटिंग में मान लो या सोशल मीडिया टास्किंग और गेमिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ऐसा मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और मुझे सबसे जो पसंद आया ना इस माउस के अंदर जो डीपीआई का कंट्रोल दिया है, जो लाइटिंग है ना, जब मैं गेम खेल रहा हूँ जो मान लो हाई पेज वैलोरेंट या फिर CS:GO, उसके अंदर मैंने डीपीआई को इंक्रीज कर लिया ऑन द गो और मुझे पता चल जाता है कलर के साथ कि कौन से डीपीआई में जो है एग्जैक्ट सेम टाइम पे माउस काम कर रहा है। उसके साथ कीबोर्ड में जो है आपको पाम ब्रश देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके मान लो टेबल का साइज छोटा है तो इसके वजह से आप हाथ रख के बहुत लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर सकते हो और हाथ जो आपको दुखेगा नहीं जब आप लॉन्ग टाइम तक इस कीबोर्ड को जो है यूज़ करोगे। लेकिन इस कीबोर्ड के अंदर मैंने जो पहले कहा था कोई फिजिकल स्टैंड नहीं आता, लेकिन इसका हाइट जो है अच्छा है, इसके वजह से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और पाम रेस्ट भी है, मतलब हर तरफ से कीबोर्ड आपको बेस्ट वैल्यू, मतलब कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो जो है बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन अंदर जाके भी इसको आप चेकआउट कर सकते हो। खरीदना ना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप चेकआउट जरूर करो, इनको जो है आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो बस यहीं तक था वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो जो है पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको सब्सक्राइब करो, क्लिक करो, वीडियो को शेयर करो। तब तक मैं मिलूंगा किसी एक नए वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।